अस्सलाम वालेकुम आदाब। 7News24 से मैं जुनैद चंदा। जैसे कि आप जानते हैं 7News24 का हर जगह सर्वे होता है। इस वक्त पर मैं शहर सोलापुर संतोष नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का एक मसला मामला हमारे सामने आया है। उस प्रॉपर्टी के ओनर पे दो दिन पहले हमला हुआ है। इनका कहना है कि कुछ दादा लोग इस प्रॉपर्टी पे दादागिरी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए धमका रहे हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। आइए जानते हैं डिटेल मामला क्या है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। इनायत नसीमुन मोहड़कर मेरा नाम। आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस? मेरा एड्रेस समाधान नगर सूत मिल के पीछे बाजू। जैसे कि अभी हमें पता चला है कि कल आपके ऊपर हमला हुआ है। हाँ। तो उस हमले की हम डिटेल जानना चाहेंगे। और हम ये मालूम पड़ा है कि इस जगह प्रॉपर्टी का मसला है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये चंदेली नगर के बाजू में संतोष नगर है। ये 2009 में अपना कापड़िया इंजीनियर डेवलपर्स के इंजीनियर है। उन्होंने वहाँ पर रहते, बम्बई में रहते, तो उन्होंने आकर यहाँ पर जमीन लिए। अच्छा, यहाँ पर जी सूत मिल के पीछे बाजू में संतोष नगर में जमीन लिए। बैनर ले लेने के बाद 2009 में लिए। लेने के बाद फिर मेरे को उन्होंने क्या बोले, क्या इधर तुम औरत मर्द इधर ही रुकना है, मैं बम्बई में रहता हूँ, मेरा बालू का कारोबार है, मेरे को नहीं जमता इधर आने के लिए, तुम इधर देख रेख करना आपा बोलकर मेरे को दर महीना पेमेंट देकर हमारे औरत मरद कर इधर रखे ले। हाँ, मेरे अंडर में और मेरे फेवर में 2009 से। अच्छा, तो 2009 से भी। और फिर उनके बाद क्या हुआ, 2015 में मुंशी जी मेरी जगह बोलकर अंदर कब्जा करने के लिए आया। तो मैं उसको आने के लिए मना करी कि तू नहीं आना बाबा, ये तेरी जगह नहीं है, ये कपड़े की जगह है, ये कंपनी की जगह है, तू नहीं आना बोलकर। ये मुंशी का डिटेल बताइए, मुंशी के उनका पूरा नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं? वो लक्षर में रहते हैं मुंशी जी। खाली इतना मालूम है मेरे को मुंशी, वो कभी भी आता दादागिरी करता कि मेरी जगह में करोड़ का ऑर्डर लाया, मैं करोड़ का आदेश लाया बोलता, किधर भी क्या भी कागजर कागज ले। हालांकि मुंशी की जगह यहाँ पर नहीं है, मुंशी खतीब साहब के पास ही जगह लिया बोलते, तो उसकी जगह किशन नगर में नाले के तरफ है, उसकी जगह यहाँ पर नहीं है। सिर्फ 92 जो कापड़िया इंजीनियर है उनकी जगह है ये। तो हर एक दादा, हर एक इंसान आता कि ये मेरी जगह है, तुम ये मालक का फ़ोन नंबर दो, मैं तुम्हारे को उड़ाएंगा, हम तुम्हारे को ऐसे निकालेंगा, हम बोर्डा गाड़ेंगा, ये गाड़ेंगे अमुक तमुक। ये 2009 से इतने चाहते गए, लेकिन ये जगह हमारा मालक कुछ बिकाया नहीं और किसी को कुछ करने दिया गया। मेन ओनर बम्बई के है, मेन ओनर बम्बई का, यहाँ की जो लोग आके देखे मेरी है तकलीफ, ये तकलीफ करते, तकलीफ करते। अब आपको एक चीज बताना चाहेंगे, कल यहाँ पर इनका जो यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, इन पर हमला हुआ। सबसे पहले आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर इनका बोर्ड तोड़ा गया है। हाँ, मेरा हाँ, बोर्ड तोड़े, ये बोर्ड लगाने की कोशिश करे। यहाँ पर जो कंपनी का जो नाम है वो पूरा नाम यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बोर्ड तोड़ा गया है। अच्छा, ये जो अच्छा जब ये बोर्ड तोड़ा गया था उस वक्त आप कहाँ थे, आपको पता चला? हाँ, मैं थी यहाँ पर थी, मैं यहाँ पर थी, मगर 10-15 छोकरे लोग थे, मैं कुछ नहीं बोल पाई हूँ। तो वो लोगों का कहना क्या था जब आखिर जब बोर्ड तोड़े था, तो ये जगह हमारी है, हमारे को बोर्ड लगाने दो, ये जगह हमारी है, बोर्डर लगाने दो। बोले मैं नहीं लगाने का बोली, मेरा बोर्डर तड़ा है, मेरे आंग पर मारने के लिए आए। फिर मैं ताबड़तोड़ पुलिस स्टेशन गई, हमारे डीसी पुलिस चौकी में गई। तो फिर और कल शाम में आकर सत्तार से सत्तार दर्जी बोलते हैं नेशनल बेकरी वाले आए, उनके कल छोकरे लोग आए, यहाँ पर भी आए साइड पर, और मेरे घर पर भी मेरा ताना काटे वो छोकरे लोग। मैं रिवॉल्वर लेकर ताना काटे, मेरे को जम्बिया लेकर ताना, और 10-12 छोकरंदों के अंदर 3 छोकरंदा सपड़े नहीं, 2 छोकरंदा सपड़े, और हाथ में से एक छोकरा भाग कर गया निकल कर। 2 छोकरंदा फिलहाल वक्त में पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, वो मेरे ताना काड़े समाधान नगर में जिले का मस्जिद पास सपड़े दोनों छोकरंदा। तो अभी वो दोनों अंदर है, अंदर है, पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की हिरासत में। क्या नाम है दो बंदे जो अरेस्ट हुए दोनों का? एक का नाम सलीम है, एक का नाम अरबाज है। तो दोनों भी सोलापुर की प्रॉपर? नहीं, एक का पुना का है और एक का यहाँ पर नवा घरकुल का है। तो उनको पूछी मैं, कौन भेजे तुम्हारे को यहाँ, बोर्डो को पूछ रहा मेरे को दादागिरी कर रहा, कौन भेजे तुम्हारे को? मेरे को सत्तार नेशनल बेकरी वाले सत्तार दर्जी भेजे बोले। जैसे कि 7News24 के माध्यम से आपसे एक सवाल करना ये चाहते हैं कि इस जगह के ओनर तो आपके बम्बई में है, बम्बई में, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट से और सोलापुर के कानून से आप क्या अपील करते हैं, आपको क्या चाहिए? हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी है, हमारे पर ओरिजिनल कागजात है, और पूरी जगह बिक चुकी, सही है, बिक चुकी, जिसके उसके नाम पर 7 बारे पर उतारे पर चढ़ सकेले। वहाँ सैयद पुलिस के 2 प्लाट है, वो पिरजादी की 4 प्लाट है उसके अंदर,
और वो जमादार के साथ प्लाट है, सबके बिक चुके ले, सिर्फ मेरे दो प्लाट है, मेरा मकान है यहाँ पर, मेरे रहने वाली हूँ मैं, फिर भी आकर मेरे को तंग करते लोग। ये मुंशी और वो सत्तर दर्जी नेशनल बेकरी वाले, बेकरी वाले। तो आपकी जगह का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है? देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये था यहाँ से यहाँ तक, वहाँ तक है बम्बई के, पूरे बिक चुके ले प्लाट, सिर्फ मेरे दो प्लाट है, जहाँ कंपाउंड है वहाँ तक आपकी जगह है, और आगे गुल्ला पल्ली का है। अच्छा, यहाँ तक जो जगह है आपकी जगह, इसके आगे की जो जगह है उसके आगे गुल्लापल्ली की है, तो भी ये जगह आप लोगों की, ये लोग दादागिरी कर कर हर एक दादा लोग आता है यहाँ, बम्बाले का पता दो, बम्बाले का नाम बोलो, बम्बाले को फोन कर लगाओ, हम तुम्हारे को उड़ेंगे, हम तुम्हारे खलास करेंगे, हम कब्जा करेंगे, हम ये करेंगे, अमुक करेंगे, हर एक रोज एक दादा लोग आता। तो भी जो दो बंदे कर हमारे को पैसे देते बोले बम्बाला हम, अरे कौन किसी को पैसे देता है, दौलत लिया करू क्या बुनावा क्या उसका। जो लड़की आई थी किसने भेजा ये पता चला आपको? हाँ पता चला, किसने भेजा? मुंशी ने और सत्तार दर्जी और नेशनल बेकरी वाले। तो ये आप पुलिस की तरह बोलते? पुलिस की तरह मालूम पड़ा आपको क्या? लड़की आप लोगों बोले हो? नहीं, लड़का बोला मेरे को खुद आकर। तो अभी आपने पुलिस वकील में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया? दर्ज करी, मेरे कंप्लेंट नहीं लिए, सिर्फ नाम लिख कर लिए, खलास मेरे सही लिए नहीं, मोबाइल नंबर नहीं लिए। ठीक बात है, मैं दोपहर में जाकर कंप्लेंट देकर आई हूँ। सिर्फ कंप्लेंट पे उनको अरेस्ट किया? आपने बताया कि उनको अरेस्ट किया है बोल के? वो कल की छोकरंदा का अरेस्ट करे हो, जो मेरे ताना काड़े थे, जो आपके ऊपर जो हमला कर रहे थे, आपके जो पीछे आ रहे थे उनको अरेस्ट करे करे। और जो दो चार दिन पहले जो 15 लोग आए थे वो लोगों को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं करे। तो अभी पुलिस डिपार्टमेंट साहब क्या चाहते हैं एमआईडीसी पुलिस डिपार्टमेंट से? तो उनको पकड़ना, उन्हें क्यों तकलीफ करते हैं? मालिक है ना, आज जगह तो बिक चुकी है, सवाल नहीं आता। तुम्हारे जो भी बोगस पेपर आए, बोगस कागजा है, तुम जिस मालिक के पास ही जगह लिए मुंशी, वो मालिक के लाकर तुम पूछना कि मेरी जगह कहाँ, मेरी प्लाट कहाँ, तुम क्यों चुप बैठे? मैं इतने साल से हूँ, इतने साल से जगह बिक चुकी है, 7 बार उतारे पर नाम चढ़ चुका है, फिर तुम मालिक को पूछ लेना मेरी जगह कहाँ है। मुंशी कितने साल हो गया ये? ये 2009 में हमारे नाम पर ही से 2009 से आपके नाम पर है, नाम आपके पास बाजार तक पेपर है? पेपर है। साइनोस्टोन के माध्यम से हम हमारे नाम पर चढ़ी कैसे क्या जगह जी? अगर मुंशी के नाम पर रहती तो मुंशी के पेपर आ रहे तो हमारे सात बारे पर उतार पर चढ़ती थी कैसा जगह जी? सही बात नहीं। फिर जब जिस मालिक के पास से तुम जगह लिए, वो मालिक के लाकर तुम पूछे ना हमारी जगह कहाँ, बताओ बोलकर। मुंशी जी हम तुम्हारे को बोल रहे हैं, मुंशी जी तुम पूछो ना तुम्हारे मालिक को जगह बेचने वाले को। आप मुंशी जी से आमने सामने रूबरू मुलाकात हुई आपसे? बहुत बार हुई, परसों दिन शाम में उसका मेरा हुआ। मैं बोली झूठ बात है, ये तेरी जगह नहीं है, ये हमारे नाम पर हुए सर, जिस मालिक पास तू जगह ले वो मालिक को ला तू। तो उनका क्या कहना था? नहीं तुम नहीं आना बीच में, बम्बाला आना, बम्बाला नहीं, बम्बाला मेरे पास दिया जगह बिक चुकी से, सलीम पे जा दे और नल्ला बंद उमर 2020 में उन्हें पेपर जाहिर करे सर, पेपर की नोटिस आए मेरे पास, वो देखो तुम, फिर देखकर आगे का कार्रवाई करो। जो भी लीगल पेपर आपके पास है, हम स्क्रीन पे इस वीडियो के साथ साथ जो भी लीगल आपके पेपर से सलीम पीरजादे उमर नला बंधु, ये कौन है दो बंदे? इनके हाथ में दिए थे जगह पूरी, बेच डाले, बात खत्म हुई, पारो फटानी इनके अंडर में थी, इन्होंने पूरी जगह बेच चुके, खत्म हुई। और जो नए बंदे जो आके पूछ रहे हैं वो अलग बंदे? वो अलग बंदे, वो चुप बिना कारण तकलीफ कर रहे हैं। 24 से मैं जो चंदा और मेरे सहयोगी मुन्ना सवाल आके।